भागलपुर और हावड़ा के बीच चलने वाली दो एक्सप्रेस 12 दिन रहेगी रद्द। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी आप सफर करना चाहते हैं भागलपुर से हावड़ा तो आज के वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा और जो भी हम बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बिना देखे आप इग्नोर कर यदि आप इस सफर के लिए निकल जाते हैं तो हो सकता है आप अपना घर वापस आए, क्योंकि दोस्तों अभी 12 दिन तक दो एक्सप्रेस ट्रेन जो कि भागलपुर से हावड़ा जाती है वो रद्द हो चुकी है। क्या रीजन है वो सारा चीज आप सबको चलिए बताते हैं। वीडियो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में आप सबको ट्रेन से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलते रहती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप अभी भागलपुर से हावड़ा के लिए सफर करने के लिए जाने वाले हैं तो दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों 12 दिन तक इस रूट पर दो एक्सप्रेस बिल्कुल रद्द कर दी गई है। दरअसल चतरा और मुरारी के बीच तीसरी लाइन में निर्माण कार्य को लेकर रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक लिया है। 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक कुल 12 दिन का नॉन इंटरलॉकिंग कार्य कराया जाना है। ट्रेन नंबर 13031 हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस और 13023 हावड़ा गया एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक ट्रेन नंबर 13032 जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस और 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। तो दोस्तों आप लोग को बता दें इस रूट पर तीसरी लाइन का निर्माण हो रहा है, इसी को लेकर कुल 12 दिन तक इस रूट पर जो हावड़ा के लिए जो ट्रेन चलती है उसे रद्द किया गया है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सबको एक छोटी सी जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही ट्रेन से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों साथ में बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारी हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।